शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। आपको यहाँ पे एक और चैनल दिख रहा होगा जिसका नाम संजय श्रीवास्तव STP है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है। दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं हूँ आपका दोस्त शिवान, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों आज की वीडियो में आपसे बात करूंगा सिटीजन के बारे में। सिटीजन सिटीजन क्या होता है इसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। सिटीजन ऐसी वेबसाइट है जिससे आप अपने आय, जात, निवास, मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र ये सभी खुद ऑनलाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि सिटीजन की आईडी आप अपनी खुद कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आय प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, आप लोगों का ज्यादा समय लेते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आप सबसे पहले अपने मोबाइल या पीसी के क्रोम ब्राउजर पे आएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे सिटीजन, कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिटीजन, उसके बाद उसके नीचे दिख रहा होगा सिटीजन रजिस्ट्रेशन, आप इस पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से खुलेगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से यहाँ तक आ सक आपको इस तरीके का फॉर्म कुछ मिलेगा, आपको ये फॉर्म फिल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन आईडी डालना है, मतलब यूजर नेम कोई डालेंगे। जैसे मैं एक यूजर नेम डाल देता हूँ, यहाँ जैसे मैं यहाँ पे BRLLL डाल दिया। उसके बाद उपलब्धता की जांच पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह लॉगिन आईडी प्रयोग हेतु उपलब्ध है। उसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना जन्म तिथि लिखेंगे, उसके बाद अपना लिंक चूज करेंगे, उसके बाद अपना आवासीय पता देंगे, उसके बाद अपना पिन कोड डालेंगे, उसके बाद जिला अपना लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद सुरक्षा कोड डाल के सुरक्षित कर देंगे। तो चलिए मैं आप फॉर्म भर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। मैं फॉर्म भर चुका हूँ, आपको मैं बता दे रहा हूँ कि आप कैसा फॉर्म भरेंगे। आप उसके बाद आप यहाँ पे आवेदक का नाम, मतलब अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, उसके बाद आप अपना लिंक चूज करेंगे, उसके बाद अपना आवासीय पता लिखेंगे, उसके बाद फिर अपना पिन कोड डालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जिला, आप यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। तो मैं अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेता हूँ, मैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूँ, बस्ती चूज कर ले रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे अपना एक मोबाइल नंबर दे देंगे, उसके बाद आप मेल आईडी अपना दे देंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सुरक्षा कोड दिख रही होगी YTG7TU, तो आप यहाँ पे नीचे लिख देंगे, उसके बाद सुरक्षित करें पे क्लिक कर देंगे। आप एक बार चेक कर लेंगे आपका फॉर्म सही भरा है या गलत। तो मेरा यूजर नेम जो है BRLLLL है, उसके बाद नेम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप अपना एक बार फिर चेक कर लेंगे, उसके बाद एक कैप्चा कोड डाल के सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं पंजीकरण सफलतापूर्वक हो गया है, OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया। मेरा OTP आ चुका है, मैं यहाँ से OTP अपना कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे नीचे लॉगिन, लॉगिन पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपको यहाँ पे अपना यूजर नेम डालना है, आप जो यूजर नेम वहाँ पे चूज किए थे वो यूजर नेम डालेंगे। उसके बाद अपना OTP डालेंगे, यहाँ पे जो OTP आया था वही OTP डाल देंगे। उसके बाद फिर सुरक्षा कोड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सुरक्षा कोड, आप ये सुरक्षा कोड लिख देंगे वहाँ। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद कुछ इस तरीके से खुलेगा। आपके मोबाइल फ़ोन पर जो OTP आया था आप यहाँ पे OTP डाल देंगे, तो मैं OTP यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड बनाना है। आप पासवर्ड कैसे बनाएंगे यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, जैसे ABC@4321, तो ऐसे करके आप अपना पासवर्ड बनाएंगे। तो मैं अपना पासवर्ड बना लेता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं मैं अपना पासवर्ड बना चुका हूँ और पासवर्ड डाल भी चुका हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड बदले इस पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा पासवर्ड चेंज सक्सेसफुल, आपका पासवर्ड चेंज हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ से वापस जाके अपनी आईडी लॉगिन कर सकते हैं। आप वापस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे, आप अपना यहाँ पे यूजर नेम डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद सुरक्षा कोड डालेंगे, आपका यहाँ से लॉगिन हो जाएगा। तो अगली वीडियो में आपसे मैं बताऊँगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से आय, जात, निवास कैसे ऑनलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आय के लिए बताऊँगा। तो आप चैनल पर अभी आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट देकर बताना कि वीडियो कैसी बनी। तो आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगली वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आय प्रमाण पत्र कैसे ऑनलाइन करते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।
अगली वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।